हम आदरणीय पीयूष गोयल जी का मार्गदर्शन ले भारतीय जनता पार्टी के गुब्बारे आदरणीय पीयूष गोयल जी एक बार हवा में लहराएंगे। मैं खंडेलवाल जी से आग्रह करूंगा मंच का कार्यक्रम शुरू करेंगे। वो गुब्बारों को जीत को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय पीयूष गोयल जी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा सभी से, मैं आग्रह के जिसका हम मंच पर अपना स्थान लेंगे, मैं खंडेलवाल जी और आदरणीय सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं से आग्रह करूंगा एक बार अभिनंदन करेंगे बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। सभी से मेरा आग्रह है एक बार अपना सीट आग्रह करूंगा प्रवीण खंडेलवाल जी का स्वागत करेंगे आदरणीय पुरस्कार का माला से। अरे भाई डॉक्टर हर्षवर्धन और जो पूरी तरीके से माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी को जिताने के लिए मैदान में उतरे हैं, माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी मेरे वर्षों के साथी जिनके साथ व्यापारियों की समस्या हो, एमएसएमई सेक्टर के विषय हो, छोटे बड़े लघु सूक्ष्म उद्योग के विषय हो, उपभोक्ता के मामले हो, लगातार प्रवीण खंडेलवाल जी अग्रसर रहे लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढने में और सभी सम्मान्य नेतागण कार्यकर्तागण चांदनी चौक के मित्र विजेंद्र गुप्ता जी रजनीश जी कर जी और सभी मीडिया के बंधु, आज चांदनी चौक का सुपुत्र चांदनी चौक की सेवा के लिए अपने जन्मभूमि में फिर आपकी सेवा करने के लिए आपके प्रतिनिधि के रूप में प्रवीण खंडेलवाल जी आपके बीच आए हैं। एक सिपाही जो नरेंद्र मोदी की सरकार में नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी जी को और पहले नरेंद्र मोदी जी को आपका आशीर्वाद पहुंचा है और नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दे पाए। मित्रों 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वादा पूरा किया, देश को 11वीं अर्थव्यवस्था से आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, गरीबों का कल्याण किया, नारी शक्ति को सम्मान दिलवाया, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारे अवसर, रोजगार के हो, कारोबार के हो, व्यापार के और मित्रों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, निर्णायक और ईमानदार नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत का बोलबाला है, भारत का परचम लहरा रहा है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि वो विश्व की समस्याओं का हल भी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकालेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार से प्रवीण खंडेलवाल जी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट हो या अलग अलग सामाजिक संस्थाएं हो, उनमें समाज के लिए, व्यापारियों के लिए और देशभक्ति से ओतप्रोत सेवा दी है, वैसे ही शांति चौक और इस पूरे इलाके में इनके जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं, जो बड़े बड़े सपने हैं, जो बड़े बड़े काम का इन्होंने संकल्प लिया है, चाहे वो यहाँ की स्पोर्ट्स खेलकूद की व्यवस्थाएं हो, चाहे अस्पताल की व्यवस्थाएं हो, चाहे इनका इरादा जो पर्यटन से जोड़ने का चांदनी चौक का हो, अलग अलग प्रकार से मेरे मित्र, मेरे भाई प्रवीण खंडेलवाल जी आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है भारत को विकसित भारत बनाने का, उस संकल्प को आगे लेके जाने के लिए दिन रात चांदनी चौक की सेवा में रहेंगे, दिल्ली की सेवा में रहेंगे और भारत की सेवा में रहेंगे। और ये जो भ्रष्टाचारी गठबंधन, इनकी गठबंधन है, वैसे तो गठबंधन है या नहीं हमें तो अभी आज तक वो ही नहीं समझना है। पंजाब पे एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, पंजाब पे एक दूसरे के बारे में किस प्रकार के बयान देते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य, ये हम सब भली भांति जानते हैं। एक प्रदेश में कुश्ती और दूसरे प्रदेश में सीट एडजस्टमेंट करके लोगों को भ्रमित करने का, लोगों को गलत प्रचार और झूठे फेक वीडियोस, फेक नैरेटिव के अलावा इस इंडी गठबंधन के पास देश को देने के लिए कोई विजन नहीं है, कोई दूरगामी सोच नहीं है, कोई आगे के लिए भारत को विश्व शक्ति बनाने का कोई मार्ग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की एकता और एकजुटता को जो अक्षुण्ण रखने का, जिस प्रकार से देश की एकता और एकजुटता को, देश को साथ लाने का, सबका साथ सबके विकास से देश को आगे बढ़ाने का काम किया, वो इंडी गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं। अब आप कल्पना करिए, कोई देश जिसमें हर साल प्रधानमंत्री बदले, अभी से लड़ाई चल रही है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन कितने वक्त के लिए बनेगा, कोई तो कहते हैं कि एक एक साल में बदलेगा, कोई कहते हैं 6 महीने बदलेगा, पार्टियां अनेक, नेता कोई नहीं, ना तो इंडी गठबंधन के पास नेतृत्व है, ना नियत है, ना नीति है। और मुझे लगता है दिल्ली की जनता समझदार है, ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जो आज जेल की सलाखों, ऐसे भ्रष्टाचारी नेता को कभी समर्थन नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के 6 के 6 उम्मीदवार दिल्ली में जीतेंगे। मैं मुंबई से आ रहा हूँ, मुंबई में 6 उम्मीदवार है और सुबह शाम में अपना प्रचार कर रहा हूँ तो आदत पड़ गई है 6 उम्मीदवार की। 7 के 7 उम्मीदवार दिल्ली के और पूरे उत्तर भारत में इंडी अलायंस का सफाया होने जा रहा है। ऐसे में दिल्ली अग्रसर रहेगा, प्रवीण खंडेलवाल जी भारी मात्रा से प्रचंड विजय से चांदनी चौक का नेतृत्व करेंगे और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में एक एक वोट अमूल्य है। गर्मी के दिन में हम सब लोग, हम सब कार्यकर्ता सुनिश्चित करें एक भी वोटर घर पे ना रहे। हमारा दायित्व है लोगों तक ये संदेशा पहुंचाए, प्रधानमंत्री मोदी जी का नमस्कार पहुंचाए और उनको बताए एक एक वोट अमूल्य है, ये हमारा अधिकार ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। और जब एक एक व्यक्ति वोट में आएगा, वोट करेगा, तब भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा,
और चांदनी चौक भी संदेश देगा कि पूरा चांदनी चौक एक मत होकर मोदी जी की झूली में आशीर्वाद देने पहली जून को निकलेगा। पहली जून को चुनाव 25 मई को एक एक दिल्ली निवासी एक एक मतदाता 25 मई को बाहर निकले अपना वोट कमल के बटन पर दबाकर आपका वोट दर्ज करें। आप कमल का बटन दबाएंगे आपका वोट सीधा मोदी जी की झोली में आशीर्वाद के रूप में जाएगा। मोदी जी देश को नए ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे और हम सब झोली में आशीर्वाद के रूप में जाएगा। मोदी जी देश को नए ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे और हम सब एक उज्जवल भविष्य गरीबी मुक्त भारत और विकसित। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रवीण जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दिल्ली निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीयूष गोयल जी का, विजेंद्र गुप्ता जी, राजेश भाटिया जी जो हमारे क्लस्टर प्रभारी और प्रभारी है वो उनको माला पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आज हम सब लोग मिलकर यहाँ से हम लोग विजय संकल्प यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे और आदरणीय पीयूष गोयल जी और प्रवीण खंडेलवाल जी ई रिक्शा के माध्यम से यहाँ से यात्रा को आरंभ करेंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो
भाई को भारी बहुमत से जिताना है, और जमीन भाई को भारी बहुमत से जिताना है।